इसे कहते हैं असली वीआईपी। मेरे तो ये समझ नहीं आ रहा है कि जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, अगर ये विधायक जी के आने से पहले रेड कार्पेट बिछा देते, ढोल नगाड़े बजाते थे, फूल मालाओं के साथ बीजेपी के विधायक का स्वागत कर देते, तो इन सबके सबका किया जाता, बताइए अच्छा लगता है? विधायक जी खुद अपना नाम लेकर कहे जा रहे हैं कि जब एमएलए अनिल सिंह आया करें तो सभी अधिकारी खड़े हो जाया करें। विधायक अनिल सिंह आया करें तो सब अधिकारी खड़े हो जाया करें। दोस्तों, यूपी के बीजेपी विधायक अनिल सिंह के इस रुतबे को देखकर ना, मीटिंग में आप देखिए कुछ अधिकारी तो खड़े हुए, लेकिन कुछ के समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। मेरे ख्याल से कंफ्यूज्ड हो गए कि भाई साहब अपना ही नाम लेकर अपने लिए अधिकारियों को क्या हिदायत दे रहे हैं। विधायक जी के इस अंदाज को देखिए, जय 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 के नारे भी लग रहे हैं। जिले के विकास के लिए जिला पंचायत की एक बैठक आयोजित थी। सभी जिले के विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीडीओ सब यहाँ मौजूद थे। तभी बीजेपी के विधायक अनिल सिंह हीरो टाइप एंट्री लेते हैं और अपना नाम लेकर खुद कहते हैं कि जब एमएलए अनिल कुमार आया करें तो सभी अधिकारी खड़े हो जाया करें। बकायदा इसके बाद बीजेपी के विधायक कहते हैं आगे से ऐसा नहीं होगा तो कार्रवाई कर लिखा पढ़ी कर देंगे। वैसे बीजेपी के विधायक जी अपने अंदाज से डराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे ये एग्रेसिव ज्यादा ना फनी लगा। बताइए ऐसा कौन करता है खुद अपने लिए? यहाँ हमारे मोदी जी वीआईपी कल्चर खत्म करने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, और ये डबल इंजन के विधायक हैं कि अधिकारियों को खुद ही अपना नाम देकर बता रहे हैं कि विधायक अनिल सिंह आवा करे तो सब अधिकारी खड़े हो जाए करे। पहले 100 बार का इंसिडेंट हम लोग करते। दोस्तों, यूपी में डबल इंजन के बीजेपी विधायक के इस दबंग स्टाइल पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें।